Brimming with new residential complexes and industrial units, Panvel is one of the fastest developing areas near the financial capital of Mumbai. However, the villages adjacent to the swanky new complexes that are coming up in this area are grappling with a severe water crisis. That's right, Frida. And you know, just a couple of days ago, we did in fact report about Gurugram, which is more or less the same thing. It's extremely swanky, extremely posh locales, but the most basic amenity, that's water, seems to be a problem. Now here, Goat Camp is one of the 29 villages in Panvel that is dealing with acute water shortage. Poor condition of existing water supply infrastructure has only compounded the problem. यहाँ पानी 8 दिन में एक बार आता है. यह हालत बहुत बेकार है पानी की. कभी-कभी पानी भी अच्छा नहीं आता है. बाहर से टैंकर लाते हैं. ये सप्ते के टाइम बाहर से टैंकर लाया, सबको उल्टी जुलाब के साथ आ गई. ऐसा दो दो तीन तीन दिन हम लोग कपड़ा वैसा ही रखते हैं. क्या करने का, वो बोरिंग का पानी अच्छा नहीं रहता है तो हम लोग कपड़ा नहीं धो सकते हाँ. और पीने का पानी 8 दिन रखेगा तो पानी कैसा होता है, वो गलत ही होगा ना पानी. तो वो पानी से जो कुछ बीमारी होता है तो होएगा ही ना. पानी भी इतना गंदा रहता है ना कि बास आता है पानी का, मच्छी का बास आता है पानी का. छोटे छोटे बच्चे देखो, बच्चे बच्चे बीमार पड़ते हैं उससे, बुजुर्ग लोग है वो बीमार पड़ते हैं. जवाब क्या देता है वो लोग, हम लोग देखेंगे. बोलने को जाएगा तो बोलेगा इधर पानी आते, तुम झूठ बोले. सब उधर से यहाँ तक मोटर लगाते, फिर नीचे वाले को पानी नहीं मिलता. हम लोग को किधर जाने का, हम लोग 4-5, 6 दिन, 7 दिन ऐसे ही टाइम पानी आता है. ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 दिन के बाद पानी आता है. ज्यादा कपड़ा हम लोग निकालते ही नहीं है, पानी आता है. एग्जैक्टली प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि पहला जो ओवर हेड टाकी था, वो ओवर हेड टाकी क्रैक हो गया, इसीलिए 2 बरस के पहले वो तोड़ दिया. इमीजिएट हम नया टाकी बांधे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ऐसे बोल दिया, लेकिन अभी तक ऊपर का टाकी हुआ नहीं. जो नीचे का टाकी है उसमें पानी बहुत प्रेशर से बहुत कम आता है. दूसरा ऐसा है कि हमारा जो ये विलेज है वो रिहैबिलिटेशन विलेज है, कोयना प्रोजेक्ट का रिहैबिलिटेशन विलेज है. हम पूरा महाराष्ट्र के लिए योगदान देके पूरा महाराष्ट्र विद्युत लाइट पानी बहुत हो गया और हम लोगों को पानी से वंचित हो रहे हैं. हम पहले का टाकी तो आया, ये तोड़ा हुआ, अभी 2 बरस हो गया, अभी तक बनाया नहीं. और पानी नीचे छोड़ता है वो टैंकर से, कभी मिलता है तब छोड़ता है, वो पानी दूषित रहता है. ऐसी हालत है और 8-8 दिन में पानी मिलता नहीं है. 4-4, 5-5 दिन में पानी नहीं आता है. वो टाकी खोदा है, बाहर का पानी अंदर जाता है. हमारे आदमी लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो पानी तो कम से कम 2 दिन से मिलना मांगता है ना. पनवेल की आबादी बढ़ती जा रही है, पनवेल की मुर्शी पार्टी हो गई. हम 2 साल से इधर आवाज़ उठा रहे हैं कि पानी का कुछ देखो, आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, लेकिन कोई इधर ध्यान नहीं दिया. जो बैठे हैं इधर, जो लोगों ने बिठाया है इधर, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है सब जगह, नीचे से लेके ऊपर, इधर MLA उनका है, महापौर उनका है, MP उनका है, स्टेट गवर्नमेंट सब, लेकिन कोई पनवेल के लिए ध्यान नहीं दे रहे. और आज देखेंगे पनवेल में 300 MLD की पानी का डिमांड है, लेकिन 200 MLD मिल रहा है. तो सब जगह किधर ही जाओ आप, किधर ही पानी 8-8, 10-10 दिन आता नहीं है. कॉलोनी में गए तो एक सेक्टर को पानी देते हैं, फिर 10 दिन उधर पानी नहीं तो दूसरी जगह पानी देते हैं. ऐसी दिक्कत ही दिन बे दिन बढ़ती जा रही है.